फोर नंबर देखते हैं क्या है। एक्स क्यूब प्लस का 13x² प्लस का 31x और माइनस का 45। यहाँ पर भी देखिए एक रखने पे जीरो आ ही जाएगा, यानी कि x माइनस वन इसका गुणनखंड हो जाएगा। x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर था, ये कॉमन करने पे x माइनस वन बचे, और प्लस का यहाँ 14x² लेंगे तब ना घट के ये 13x² आ जाएगा। माइनस का फिर 14x, ठीक है, और प्लस का 45x, चलिए, और माइनस 45, दो दो को मैं कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, एक्स माइनस का वन बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 14x कॉमन करते हैं, x माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस का 45 कॉमन करते हैं, x माइनस का 1 बच जाएगा। सब में x माइनस 1 कॉमन है, कॉमन कर लेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 14x और प्लस का 45। चलिए अब दो दो को यहाँ इसका फैक्टर करते हैं, x माइनस 1 इंटू में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर 5x और प्लस का 9x ले लेते हैं, है ना। 45 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 14x आ जाएगा, गुना गुना करने पर 45 स्क्वायर आएगा ना जी दोनों में। चलिए x माइनस वन यहाँ देखिए x स्क्वायर x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 5, प्लस का 9 कॉमन करेंगे x प्लस का 5, x प्लस 5 दोनों जगह है उसको कॉमन कर लेते हैं। x माइनस वन यहाँ x प्लस 5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 9, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन थे पूरा।